की जनता जिसको वोट करना है फरवरी में, लेकिन नवंबर की मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उस मांग पर कहना क्या है उनका, ये सुन लीजिए। इनको तो 6 महीने पहले दे देना चाहिए था जब ये जेल की यात्रा करके करने गए थे, तो इस टाइम पे देने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस टाइम पे ऐलान कर रहे हैं। इस्तीफा मतलब बताया ना, मजबूरी में दे रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे, मजबूरी में दे रहे इस्तीफा। वो केजरीवाल की आपसी होनी चाहिए क्योंकि सर केजरीवाल ने वो चीज करके दिल्ली वालों को दिया है, काम करा दिल्ली में उन्होंने, काम क्या कहेंगे सर। तो जिस प्रकार से उनका लोकसभा में सफाया हुआ था और होते रहा है, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ, इस बार मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जो जनता है वो बीजेपी को चुनाव में जीतवाएंगे। डिसीजन तो बहुत अच्छा रहेगा अगर दे दें, किसी दूसरे को देना चाहिए। केजरीवाल जी तो अब जेल से आ गए हैं, बाकी अभी पता नहीं क्या होने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये इस्तीफा शायद होगा नहीं, वो बोलने की बात है, वो पार्टी मेंबर्स वगैरह मिलके आपस में से क्लोज कर देंगे बात को। अब उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो इस्तीफा ना दें, कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने कुछ ऐसा सराहनीय कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू कर सके अपने पद को, और अपनी पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए। अगर उनका मन बनता तो वो दे दें, अबल तो नहीं देना चाहिए उनको। तो दिल्ली में काम किया, दिल्ली के लोग कहते काम अच्छा किया हुआ है, आम पब्लिक से पूछो तो कहते बहुत अच्छा काम किया, मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ। तो दिल्ली की जनता तो मिला जुला रिएक्शन दे रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम किया है, इंतजार कर ले चुनाव का, फरवरी में चुनाव होंगे, पता चल जाएगा जनता का रुख क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, ये बात भी कह रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं, जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे भी उनका भी परिचय करा दूं आपसे। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ में इस वक्त समीर चौगांकर है, वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, मेरे साथ संजय मिश्रा स्टूडियो से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अजय वर्मा थोड़ी देर में कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया जी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, चुनाव की तैयारियों में बिजी है बहुत ज्यादा इस वक्त शाजिया जी, लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है, जो मांग आप लोग कर रहे थे वो पूरी तो हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके हिसाब से इस्तीफा नहीं देंगे। बस बिल्कुल देखिए, दो बहुत ही पेचीदा पॉलिटिकल स्थिति जो दो यूनियन टेरिटरीज में चल रही है उस पर मेरी पूरी तरह से नजर है। तो चाहे वो दिल्ली हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज पर मुझे काफी इंटरेस्ट है, और जाहिर सी बात है दिल्ली तो खास तौर से। अब देखिए सुचरिता जी, आप खुद सोचिए, 5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लगातार मांगे की गई, जेल से सरकार चलाना उनको बर्दाश्त था, लेकिन बाहर जब आते हैं और जब इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं जो काफ़ी सख्त हैं, तब कहते हैं त्यागपत्र देंगे। अब एक और बात, एक और बहुत बड़ी तरह से गुमराह किया जा रहा है, जो आप लोग इसे पकड़िए, हर जगह जाके क्या कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। जनता तो तय करेगी नहीं, वो तो कोर्ट्स करेंगे। क्या केजरीवाल को इस बात का डर है कि बहुत जल्दी ट्रायल होगा और ट्रायल में दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा, और इस वजह से वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि जानते हैं कि 5 महीने से कुछ कर नहीं पाए, तो कम से कम सोनिया गांधी मनमोहन सिंह मॉडल में चला लें थोड़ी देर और खेल अपना किसी और को, वो तो पपेट मिल जाएंगे बहुत सारे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो औचित्य अगर था और वाकई में अगर मॉरल जरा सी स्ट्रेंथ होती नैतिकता के तकाजे के तहत, जब आप जेल जा रहे थे, जो आपने छीटा कशी की है, जो आपने स्टैंडर्ड्स औरों के लिए तय किए हैं, कम से कम उसको देखते हुए खुद वही स्टैंडर्ड्स और पैमाने अपने पर तो लागू करते, और उन 5 महीनों में कम से कम अगर वो दे देते त्यागपत्र तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती। नहीं, लेकिन शाजिया जी वो ये कह रहे हैं, शाजिया इल्मी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सीएम बनाते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी का ये उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाभ ले सके, हमारी योजनाओं का लाभ मिल सके, बीजेपी में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी जो पार्टी के लिए जनता के लिए काम कर रहा है वो सीएम बन सकता है जो जनता के लिए काम करेगा, लेकिन अगर वो किसी को सीएम बनाते हैं किसी और को, तो आप कह रहे हैं पपेट है वो। नहीं देखिए, जब वो बनाएंगे, जब कुछ होगा, वो सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर इतनी सख्त शर्तें होती हैं जिसमें बाकायदा ना सीएमओ जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ना गवाहों को प्रभाव करने पर भी उन पर लगातार निगरानी बनी हुई है, तो वो जानते हैं कि बेकार है वो सीएम की पोजीशन, इससे अच्छा किसी और को बैठा दो, कम से कम और घोटालों के रास्ते तो निकलेंगे। तो मुझे लगता है और चुनावी नज़र भी है, फरवरी में है तो उथल पथल होगी, तो नवंबर में चुनाव हो सकते हैं उनके हिसाब से,
लेकिन ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और जब ट्रायल हो जाएगा तब कहाँ भागेंगे, तब क्या खैर मनाएंगे? असलियत तो उनको भी पता है, जन्नत की हकीकत क्या है वो जानते हैं। तो मुझे लगता है ये बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ है पूरा मामला, क्योंकि जो बेल भी मिली है वो केस के मेरिट्स पर तो है नहीं। तो ये बात कैसे कह सकते हैं केजरीवाल बाहर जाकर कि मेरी जो मैं गुनहगार हूँ कि नहीं, कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ या बेईमान, इसका फैसला होगा। ये तो कोर्ट से तय करेंगे ना, जनता कहाँ तय करेगी? ये हमारे देश में तो अदालतें ही तय करती हैं, जनता तो करती नहीं है। चलिए ठीक है, शाजिया जी वापस आ रही हूँ, अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। लेकिन अनुराग जी, और कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था, आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि दो दिन के बाद इस्तीफा देंगे और जनता जो तय करेगी आने वाले समय में उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये माने कि आने वाले चुनाव में गठबंधन इंटैक्ट होगा? इस इस्तीफे पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मान के चलिए, इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए और राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा एक है। हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे बीच में एक लोकतांत्रिक तरीका है, जैसे बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जो एलआई दल बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, वो तो पिछलग्गू की तरह रहते हैं, वो अपनी बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां लोकतंत्र है ही नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि बेल नहीं मिल रही है, अगर मान लो उनके इतने गंभीर आरोप नहीं होते तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे देता? अब कोर्ट ने बेल दे दिया, तब क्या कह रहे हैं? अब कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं दिया, आप क्यों दे रहे हैं? गजब है भाई, ये अपना तो चिंता नहीं करते, ये दूसरों की थाली में ताक झांक करते रहते। तो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए। मानिक सर को चिल्लाने ने क्या बोला कि जो सरकारी एजेंसी सीबीआई को अब पिंजरे का तोता नहीं हो सकती, उसे एक तरह से जिम्मेदारी होने का एहसास दिलाया ना, इसके मतलब आपको तमाचा मारा है, लेकिन दर्द भी हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप देखिएगा बीजेपी वाले प्रवक्ता आते हैं, इतना तेज दर्द है उनको, चीख चीख के चिल्लाते हैं भाई अभी फलाने सुनीता केजरीवाल बनेंगी तो ढिकाने बनेंगे। अरे भाई, लोकतंत्र में जो विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है वो बन जाता है, आप काहे परेशान हो? ठीक है, आपके विधायक इतने हैं नहीं, आपने अभी नहीं चुने? अब अभी बीजेपी की प्रवक्ता कर रही थी, इन्होंने जिस तरह से अपने जो कैंडिडेट बनाए हैं, ये अपने जो इनकी रट मारते हैं उनको बनाते हैं। तो राजस्थान में आपने किसको, आपने बसवंत राजे क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे पूछता हूँ, वसुंधरा राजे कोई छोटी मोटी नेता थी? आपने उन्हीं को बनाया जो आपकी बात कहे दिन तो दिन रात तो रात। आपने हरियाणा में किसको बनाया बताइए ना? बड़े बड़े नेता थे हरियाणा में, लेकिन सबको छोड़ के आप अपनी मर्जी का बनाते हैं ना। इसी तरह आप हर जगह अपने ही रट्टू जो आपकी बात माने उसी को बनाते हैं। तो आप करें तो ठीक है, दूसरा कोई करता है? जनता दल जनता चूंकि जिसको या जिसको विधायक दल के नेता चुना जाता है वहां आपको दिक्कत होने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से परेशान है क्योंकि जनता